सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग के पास भी ये एरर आता होगा, यहाँ पे देख सकते हैं चेक योर 5G सेटिंग। ठीक है, अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आता है और आपके पास जियो का सिम है तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो और आप 5G का लाभ उठा सकते हो अपने फ़ोन में, और किस तरह से इसको सेटिंग किया जाता है, कैसे आप अपने फ़ोन में सेटिंग करोगे, 5G ऑन करोगे ताकि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप जियो में 5G का जो भी डाटा है वो उसको आप ले सकते हो, उसका ठीक है लाभ उठा सकते हो। तो गाइज, इसके लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करो, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा। आपको मोबाइल का इसमें लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप कर सकते हो। जैसे कि गाइज, मैंने अभी फिलहाल में कर लिया हूँ, मेरे पास भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, कैसे करना है सब दिखाता हूँ। सबसे पहले लाइव देखिए मैंने कैसे किया। ठीक है, ये आप देखिए, आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं गाइज, ग्रेट यू आर 5G रेडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू ऑलरेडी 5G यूज। ठीक है, यहाँ पे हैंडल 5G सेटिंग है। तो गाइज, आपको कैसे ये सेटिंग करना है, हैंडल जो 5G सेटिंग है इसको कैसे करना है, कैसे आप इसको इनेबल करोगे, टोटल जो भी है 4 to 4 कंप्लीट आपका रहेगा। ठीक है, मैंने कैसे किया था और मेरा टोटल चीज यहाँ पे सॉल्व हो चुका है और मैं 5G यूज भी कर रहा हूँ। ऊपर देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा ऊपर साइड में, अभी आप दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एक्सप्लोर 2 5G। ठीक है, और या ये जो ऑप्शन है, मतलब ये जो आपके पास मिल रहा है फीचर, ये मेरे को मिला है और काफी लोगों को मिला है, काफी लोगों को 5G यूज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखेगा 5G में यूज भी कर रहा हूँ, ऊपर देखेगा। ठीक है, तो चलिए आपको सेटिंग बताता हूँ, क्या सेटिंग करना है, कैसे करना है। आप वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। ठीक है, काफी आप लोग को समझ में आ जाएगा, आप लोग काफी सारे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, बट कोई और ट्रिक बताता है, कोई अलग ट्रिक बताता है, बट जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, आपका 100% काम करेगा। ठीक है, आपको मैं सेटिंग में भी लेके जाकर बताऊंगा और भी अच्छा अच्छा ट्रिक दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट में है जियो वायर, यहाँ पे देख सकते हैं जियो, ये फर्स्ट आपको डन होना चाहिए, सेकंड भी डन होना चाहिए, थर्ड भी डन होना चाहिए। अब इससे बताता हूँ सबसे पहले करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पे आना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो माई जियो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना है, अगर आपके पास इंस्टॉल है तो इसको एक बार कर दीजिएगा अनइंस्टॉल, या फिर अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं तो उसको अपडेट कीजिएगा। ठीक है, अपडेट कैसे करते हैं, प्ले स्टोर पे आइएगा, यहाँ पर सर्च कीजिएगा माई जियो फॉर एवरीथिंग, सिर्फ माई जियो सर्च कीजिएगा, उसके बाद गाइज यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जिस पे आपको सिंपली से अपडेट कीजिएगा, अपडेट का ऑप्शन है तो ओपन का ऑप्शन है तो ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके पास होम पेज आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ, होम पेज आ जाएगा। होम पेज में आपको करना क्या होगा, जैसे कि इस तरह का ऑप्शन आएगा आपके पास, आपको सर्च ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पे देखिएगा सर्च का ऑप्शन है, इस पर सिंपली से सर्च कीजिएगा जियो ट्रू। ठीक है, जियो ट्रू आपको सिंपली से सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको डेटा वगैरह बताएगा, पोस्टपेड है प्रीपेड है वो चीज दिखाएगा, ऊपर में सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सर्च का ऑप्शन में आनी है। ठीक है, और दोस्तों जैसे आप सर्च का ऑप्शन में क्लिक करोगे, यहाँ पे सिंपली से लिखनी है जियो ट्रू। तो जैसे मैं सर्च कर लिया, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सर्च कर रखा था, यहाँ पे देखिए, और तो जैसे आप सर्च करोगे उसके बाद गए यहाँ पे करना क्या होगा, आप थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपको मिल जाएगा कि सिंपली से क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद जियो ट्रू 5G मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे आपको सिंपली से क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, आपको बता दे रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा, आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। चेक 5G यहाँ पे देखिएगा, चेक 5G रेड लाइन्स, यहाँ पे सिंपली से क्लिक कीजिएगा, और जैसे दोस्तों इस पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सिंपली से क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये कंग्रेचुलेशन कुछ नाम से यहाँ पे आएगा, जिसपे फर्स्ट डन होगा, सेकंड भी डन हो जाएगा, थर्ड आपके पास इस तरह का पॉपअप आएगा, अगर आपका अपडेट है तो अपडेट, नहीं है तो अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप मेरा ऑलरेडी है तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा आई हैव एन अपडेट अपडेटेड। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे हैंडल वाला ऑप्शन भी सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर आपका फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो आपको करना क्या होगा, सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग कैसे करते हैं सो मैं आपको बताता हूँ, सिंपली से अपने मोबाइल का सेटिंग में आ जानी है, और मोबाइल का सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपके पास वीवो फोन है तो रियलमी जो भी है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेटवर्क का। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आपको देखिएगा सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, इस पर सिंपली से क्लिक कीजिएगा, और जो मोबाइल नंबर होता है सिम 1 सिम 2, ठीक है, जो भी सिम है आपका जियो का उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोफेशनल नेटवर्क टाइप। ठीक है, इस पर क्लिक करके प्रेफर नेटवर्क टाइप पे, और यहाँ पे आपको 4G होगा तो उसको 5G कर लीजिएगा।
ठीक है। 5G करने के बाद यहाँ पे ऑटो होला, यहाँ पे आपको ऑटो रहने दीजिएगा, ऑटो रिकमेंड, ठीक है। ये दोनों सेटिंग आपको करना है, ये दोनों सेटिंग किस जगह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वो आपका वहाँ पे जो भी एरर आ रहा था एरर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप 5G नेटवर्क का लाभ उठा सकते हो, 5G नेटवर्क को यूज कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेशन हुआ होगा। अगर आप लोग कुछ हमसे बात करना चाहते हो, अगर कुछ टिप चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेक गुरु राहुल टू। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, उसको जाकर फॉलो कीजिए।